अकोला के एसपी जी श्रीधर द्वारा आयोजित रामलता के पीछे बॉक्स क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल आज अकोला के एसपी जी श्रीधर की टीम अकोला सुपर किंग और ट्रैफिक पुलिस की टीम के बीच खेला जाएगा। वहीं महिला वर्ग में जीजा 11 और सिटी डिवीजन के बीच फाइनल शाम 7 बजे होगा। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के रूप में अकोला के जिलाधिकारी नीमा अरोरा मौजूद रहेंगी। आपको बता दें, इसमें कुल अकोला जिले की पुलिस कर्मचारी और अधिकारी की 32 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का मकसद लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस प्रशासन के मानसिक तनाव को कम करना है। फाइनल में रोमांचक मुकाबला होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दोनों ही टीमें ट्रॉफी के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इस चैलेंज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल ने एसपी जी श्रीधर से विस्तृत जानकारी ली। मुकेश, ऐसे अभी तक लास्ट 2 साल से कोरोना और अलग अलग बंदोबस्त में अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी बहुत तान तनाव में थे। थोड़ा सा रिलैक्स मिलना करके ये हमने आयोजन किया, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और इसके अतिरिक्त ऑफिसर्स और कर्मचारी का फैमिली और उनकी बच्चे वो भी इसमें सहभाग ले रहा है। कल के दिन 30 अक्टूबर का फाइनल है। एक टीम अभी अकोला सुपर किंग्स हमारा टीम सेलेक्ट हुआ है। अभी नेक्स्ट सेमीफाइनल्स ट्रैफिक वर्सेस HQ2 उनका सेमीफाइनल्स है। तो उसमें कौन विन होके आ रहा है उनके साथ हम फाइनल्स करेंगे।